गोस्तुमात्रान विद्यते गो माता की जय। गोरखपुर से गो माता गो सेवा गो रक्षा पर अपने के साथ अपने मार्गदर्शन के साथ, जिसके पश्चात हमारे बीच एक पारंपरिक गोभक्त गोरखपुर के श्री वरुण कुमार वर्मा बैरागी जी, पूर्व पशुधन प्रसार अधिकारी रहे हैं बैरागी जी, बड़े ही मनोयोग से गो सेवा गो रक्षा में लगे रहते हैं। सामाजिक योगदान अत्यंत सराहनीय है। वृक्षारोपण के लिए तुलसी के पौधे, तमाम सारे पौधे, गीता प्लस की पुस्तकें और गौ सेवा गो रक्षा पर तमाम सारी छोटी छोटी पुस्तकें पूरे महानगर में लोगों को मुफ्त वितरित करते रहते हैं बैरागी जी, और 40 वर्षों से महानगर में गौ सेवा और गो संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराष्ट्र द्वारा, गोरक्षपीठ द्वारा और तमाम सारे सामाजिक संगठनों द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। मैं सुप्रसिद्ध गोसेवक आदरणीय वरुण कुमार वर्मा बैरागी जी को गोरक्षा पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बैरागी जी, धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी, श्रद्धेय मंच, सम्मानित सदन, गोरक्षा, जग की जननी है गो माता, भारत भाग्य विधाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। तुम गोकुल की गौरव हो माँ, कान्हा की हो प्यारी, दूध दही घी माखन खाके धन्य सब नर नारी। तुमसे तो है माँ मानो का जीवन भर का नाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। आज संस्कृत की गौरव हो तुम वसुंधरा की छाती, कृष्ण के गीता की गरिमा हो जो जग में आदर पाती। तुमसे तो है माँ मानो का जीवन भर का नाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। आज भारत में तो गो हत्या पर पाबंदी लगवाना है, चाहे शीश भले कट जाए गो हत्या रुकवाना है। माता के समान हम सबका गो माता से नाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। अंतिम बंद, मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐसा अभियान चलाया है, मुख्यमंत्री योगी जी ने अद्भुत अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश में गो माता को संरक्षण दिलवाया है, उत्तर प्रदेश में गो माता को संरक्षण दिलवाया है। गोरक्षपीठ का गो माता से, गोरक्षपीठ का गो माता से युगों युगों का नाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। जग की जननी है गो माता, भारत भाग्य विधाता है, 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है, वंदनीय गो माता है। बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी, जीवन पर्यंत गो सेवा में आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शानदार गायन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, इस वर्चुअल संगोष्ठी में अब अगले वक्ता के रूप में हमारे मुख्य वक्ता, जो गो सेवा गो रक्षा और गो संवर्धन के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गो सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत श्री श्याम नंदन सिंह जी
लखनऊ से हमारे इस वर्चुअल संगोष्ठी में जुड़ रहे हैं। मैं सादर इस सदन को और दूरस्थ स्थित तमाम सारे गोभक्तों को, गोरक्षपीठ से जुड़े धर्म प्राण बंधुओं को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, आहूत करता हूं श्री श्याम नंदन सिंह अध्यक्ष गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्याम नंदन जी। सभी को नमस्कार। श्री गोरखनाथ मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में सबसे पहले मैं देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूं कि जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में मुझे गौ सेवा आयोग में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम में मंचासीन सभी पूज्य संत एवं आदरणीय श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम। कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री भगवान सिंह जी, कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव छात्र छात्राएं और अध्यापक गण। गोरखपीठ एक बहुत बड़ा सिद्धिपीठ है। संपूर्ण विश्व में लाखों इसके भक्त फैले हुए हैं। इस सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर इस सिद्धपीठ के पीठाधिपति युग पुरुष ब्रह्मलीन परम पूज महंत दिग्विजयनाथ जी के 51वीं पुण्यतिथि एवं परम पूज महंत दिग्विजय महंत आदित्यनाथ जी के 6वीं पुण्यतिथि के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज मुझे श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के लाखों हिंदुत्व प्रेमियों में दोनों ही संत महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया है। दोनों ही संत पुरुषों की प्रेरणा, आशीर्वाद, उनका अथक परिश्रम, नेतृत्व, मार्गदर्शन से आज वो दिन प्राप्त हुआ है जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आज का विषय भारतीय संस्कृति और गौ सेवा। भारतीय संस्कृति किसी भी देश का प्राण होती है। अगर वो संस्कृति नहीं है तो देश केवल एक नाम के साथ जीवित रहेगा, उसकी देश में कोई पहचान नहीं रहेगी। भारतवर्ष ने लगभग 1200 वर्षों से अधिक विदेशी ताकतों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस देश में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी आज भारतीय संस्कृति जीवित है, उसको जीवित रखा है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं। भौगोलिक दृष्टि से भले वो आज देश के नाम होंगे, लेकिन उनकी जो संस्कृति, उनकी जो आत्मा, उनकी जो प्राण जिससे वो देश पहचाने जाते थे, वो चीज समाप्त हो गई। दुनिया में कहा भी जाता है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी कौन सी बात है जो आज देश में भारतीय, भारत का नाम, भारत की संस्कृति आज जीवित है। भारत का इतना बड़ा नाम, भारत का इतना प्रभाव आज देश में है। इतने संघर्षों के बाद भी उसका प्रमुख कारण यही है कि भारत ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। भारतीय संस्कृति के बहुत से जीवित रखने के कारण हैं। उनमें से
ताय एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ताय हमारी संस्कृति का प्राण है। प्राचीन काल से ही ताय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूलाधार रही है। हमारी गाय हमारी संस्कृति का प्राण है। गंगा, गोमती, गायत्री, गीता और गोविंद की भांति ये पवित्र है। गौ पालन, गौ सेवा, गौ दान हमारी संस्कृति के महान परंपरा रही है। गौ सेवा सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तो प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार रही है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से ही गौ सेवा, गौ पालन को अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य माना है। वेद, शास्त्र, प्राण सभी गाय की उत्कृष्ट महिमाओं से ओतप्रोत हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधन मूल हमारी संवेदनमयी गौ माता ही है। समस्त गायें विष्णु रूपा है। भारत की संस्कृति मूल रूप से गौ संस्कृति ही है। भारतीय समाज ने गाय को माँ की संज्ञा दी है। गाय के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से प्राप्त होती है। समुद्र मंथन से कामधेनु रूपी पांच गौ माताएं प्रकट हुई, नंदा, समुद्र, सुरभि, बहुला, सुशीला। इन पांचों माताओं की सेवा हेतु पांच ऋषियों ने इनको पास पाला। गाय का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के संग्राम के काल में भी जितने भी बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं सबने स्वतंत्रता के संग्राम के साथ साथ, आजादी के साथ साथ इस गौ के प्रश्न को उठाया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी उस समय बड़े बड़े नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक जी, मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, गांधी जी सभी ने इस गौ के प्रश्न को आजादी के साथ जोड़ा था। तिलक जी ने तो इस बात को माना था कि इस देश का विकास करना है तो हमें गांव की रचना इस प्रकार की करनी होगी तो उसका केंद्र बिंदु गाय ही रहे। और महात्मा गांधी जी ने तो इतना तक कह दिया कि गाय का प्रश्न मेरे लिए स्वतंत्रता से कम नहीं है, जितना ही इस देश के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है उतना ही मेरे देश के लिए गौरक्षा भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय जी ने तो इतना कहा कि अगर गाय नहीं रहेगी तो बचेगा कौन। यानी उस आजादी के कार्यकाल में भी जितने भी अपने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, नेता रहे, सबने इसके प्रश्न को आजादी के साथ उठाया। गौवंश संरक्षण संवर्धन के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गोकुल में आए, गौओं का पालन पोषण करते हुए, गौओं को इतना प्यार करते हुए करने के कारण ही उनका नाम गोपालक पड़ा। गौ माता अनाद काल से ही हमारी श्रद्धा का केंद्र रही है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति धर्म सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अनाद काल से ही तीन माताएं कही जाती हैं, एक जन्म देने वाली माता, एक गौ माता और एक धरती माता। बचपन में जब बालक पैदा होता है तो माँ का दूध पीता है, उसके बाद उसका भरण पोषण गौ माता के दूध से ही होता है और उसके बाद फिर धरती माता विश्व व्यक्ति को भरण पोषण करती है। इसलिए विश्व गाय को धरती माता से भी ज्यादा पवित्र स्थान दिया गया है और इसीलिए विश्व माता कहा गया है। वेदों में गाय को समस्त संसार की माता कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस स्थान पर गाय सुख पूर्वक रहती है वहां की रजत पवित्र हो जाती है। और इतना कहा गया है कि गाय जब निश्वास सांस लेती है उसके बाद में जब सांस छोड़ती है
तो उसके श्वास में ऑक्सीजन निकलती है। मनुष्य के लिए 14-15% ऑक्सीजन आवश्यक है, लेकिन आज प्रदूषण के कारण उतना भी ऑक्सीजन व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। और कहा गया है यदि घर में गाय रहेगी तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती रहेगी और मनुष्य के जीवन का आधार बनता रहेगा। भारतीय संस्कृति में ही नहीं, अब तो सारे विश्व में गाय का बड़ा सम्मान रखा है। हम जैसे गाय की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पारसी लोग नंदी की पूजा करते हैं। मिस्र में प्राचीन सिक्कों पर भी बैलों की मूर्ति अंकित होती हैं। ईसा से कई वर्ष पूर्व ब्राह्मणों में भी बैलों की मूर्ति अंकित पाई जाती है। वस्तु मात्रा न विद्यते मात्रा सर्वभूताराम दावा सर्वप्रथा वृद्धि माँ पृथक नित्यम का कार्यम प्रदक्षिणा। जो व्यक्ति गौ माता के दर्शन पर प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है उसके सातों दीपों के भूमंडल की प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है। गौ हमारे जीवन की संस्कृति का एक प्राण है। जर्मन कृषक वैज्ञानिक डॉक्टर जूलिस एवं डॉक्टर बुक के अनुसार गाय अपनी निश्वास से ऑक्सीजन छोड़ती है। इसलिए आज विश्व में लोग ये मानने लगे हैं कि घर में गाय का रहना बहुत आवश्यक है। गाय हमारी श्रद्धा के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख आधार है, उससे पूंजी का निर्माण होता है। इसीलिए गाय को संपूर्ण सृष्टि के लिए अनुपम उपहार माना गया है। वह एक ओर जहाँ दुग्ध का भंडार है, दूसरी ओर वही जैविक खेती व कीटनाशी का कारखाना है, पंचगव औषधियों का अक्षुण औषधारा है। ऐसा कहा जाता है कि गोबर में साक्षात लक्ष्मी का पास है और गौमूत्र को अमृत कहा गया है, उसमें साक्षात गंगा का पास है। इसलिए गंगा जल के समान पवित्र है ये महान औषधि ही नहीं मानव तथा वनस्पति जगत को श्रेष्ठ वरदान है। गाय के मूत्र में कार्बोनिक एसिड होता है जो कीटनाशक है, अतः यह शुद्ध और स्वच्छता को बढ़ाता है। प्राचीन ग्रंथों में गौमूत्र को अभी अति पवित्र कहा गया है। आधुनिक रिसर्च में इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस यूरिया यूरिक एसिड पोटेशियम और सोडियम होता है। जिन महीनों में गाय दूध देती है उसके मूत्र के लैक्टोज रहता है जो हृदय और मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है। इतना ही नहीं, गाय के मूत्र का सेवन करने से हमारे हृदय को हृदय रोग दूर होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर दूर होता है। अमेरिका के डॉक्टर गॉटफ्रीड हैमिल्टन के अनुसार गौमूत्र। आचार्यगण, भक्तजन, धन प्राण बंधु एवं मित्रों, आप सबका आज की प्रातःकालीन संगोष्ठी में सादर अभिनंदन एवं स्वागत।
साक्षर केंद्र भी खोले गए हैं। गौ सेवा आयोग उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम कर रहा है। गौ सेवा आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी गौशालाएं अपने में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तब तक गौशालाओं का कल्याण नहीं होगा और गायों का कल्याण भी नहीं होगा। आज भारत अपने उत्तर प्रदेश की सरकार गायों के भरण पोषण के लिए प्रति गाय को 30 रुपया रोज दे रही है। जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें प्रत्येक गाय को 30 रुपया रोज के हिसाब से मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम पड़ता है। इसलिए हमने एक अभियान चलाया है कि गौ ये जितनी भी गौशालाएं हैं वे अपने में आत्मनिर्भर बने। गौशालाएं आत्मनिर्भर तभी बन सकती हैं जबकि अपनी कुछ आमदनी स्वयं की बढ़े। और गौशालाओं में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो गोमय है जिसे हम गोबर कहते हैं या यूरिन। गौसेवा आयोग ने पूरी कोशिश की है कि जो बड़ी गौशालाएं हैं इनमें गायों की संख्या अधिक है वे गाय के गोमय का पूरा उपयोग करें, या तो जैविक खाद बनाएं, या जैविक खाद नहीं बना सकते हैं तो उसमें बायोगैस के प्रोजेक्ट लगाएं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है, वो हम मदद उनको दिलवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से गौशालाओं में हमने गोबर के लट्ठे के बनाने की मशीन बनवाई हुई है, जो गोबर के लट्ठे बनाती हैं और अपने प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं में सभी नगर निगमों में हमने वहाँ के MNAs को वहाँ के मेयर को ये पत्र लिखा है कि आपके क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं यदि वे अपने यहाँ गोबर के लट्ठे बना रही हैं, लकड़ियों के लकड़े बना रही हैं, तो आप अपने यहाँ शमशान घाट में उनको खरीदने के लिए अनिवार्य कर दें। इसके अधिक गोबर के गमले बन रहे हैं और बहुत से गौशालाओं के द्वारा हम गमले बनवा रहे हैं और उन गमलों को हमने बात की हुई है अपने ये वन विभाग से और अपने उद्यान विभाग से कि ये विभाग उन गमलों को खरीदें। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे पन्नियों में लग करके आते हैं, आज पन्नियां वैसे ही प्रोविटेड हैं। उसके लिए छोटे छोटे गमले बनवाए हैं और उद्यान विभाग से ये बात की हुई है कि उन पन्नियों के बजाय वो छोटे छोटे गमलों में वो पौधे रखें और उनको पहुंचाएं। इससे गौ सेवाओं की आमदनी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त गौशालाओं में जितनी भी गायें हैं उसकी नजर सुधारने के काम किए जा रहे हैं। अच्छी गाय अच्छे नंदी वहां रखवाए जा रहे हैं जिससे आगे की अपनी जो भारतीय नस्लें हैं विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की नस्लें हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभियान हमने उत्तर प्रदेश में ये लिया है कि पूरे प्रदेश में हमने समाज से एक अनुरोध किया है कि इस बार दिवाली के अवसर पर पूरे प्रदेश में समस्त गौशालाएं और पूरे प्रदेश की जनता गोबर से बने हुए दियों से ही दिवाली मनाए। गोबर से बने हुए लक्ष्मी, गोबर से बने हुए गणेश जी, गोबर से बने हुए और देवी देवताओं के मूर्तियां हम बनवाए हैं। हम लखनऊ में कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के दिए बनाए जाएं और सब कुछ किए जाएं। हमने तय किया है कि लखनऊ में दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर गोमती के किनारे 1,00,000 दियों की दिवाली मनाई जाए। इसी प्रकार से कानपुर में गंगा जी के किनारे और मथुरा में भी जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं हमने वहां के DM से, हमने वहां के कमिश्नर से, हमने वहां के पशु पालकों से, हमने वहां के CDO से जो चीफ वेटरनरी ऑफिसर हैं सभी गौशालाओं से ये अनुरोध किया है कि आप अपने यहाँ इस बार गौ से बने हुए दीपों से दिवाली ही मनाई जाए। इसमें हमने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है
हम समझते हैं कि इन सब चीजों से गौशालाओं की आमदनी बढ़ेगी और हमारी गौशालाएं अपने में आत्मनिर्भर बनेगी। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में आत्मनिर्भरता का आंदोलन चलाया है, हम समझते हैं उस आंदोलन के साथ साथ हमारी गौशालाएं भी यदि आत्मनिर्भर होंगी तो हमें फिर गायों के लिए कहीं भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, दान नहीं मांगना पड़ेगा। आज वैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मदद कर रही है। हम समझते हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारी गौशालाएं मजबूत होंगी, गायों का पोषण बढ़ेगा और आगे इससे गौ माता के प्रति एक सम्मान बढ़ेगा और गौ माता को 4 पैसे मिलेंगे। गौ माता भारत माता की जय। श्री गौ माता को नमस्कार, काम धेनु संतान को नमस्कार, ब्रह्मा की पुत्रियों को नमस्कार, आप सभी मानवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ बुलाकर आपने इस प्रकार का अवसर दिया, इसलिए मैं आपके संचालक महोदयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कोई देश की सीमाओं पर, कोई आंतरिक मोर्चे पर, अपने अपने क्षेत्रों में अगर हम पूरी सन्नद्धता और प्रतिबद्धता से अपना काम करते हैं तो हम सब इस देश के सिपाही हैं। और आप गो सेवा, गो रक्षा, गो पालन, गो संरक्षण, गो संवर्धन के क्षेत्र में जो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अब इस प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी के अंतिम पायदान पर अध्यक्षीय उद्बोधन और मार्गदर्शन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 91वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। और ये फंड आपदा के समय में लोगों की जो जिनको लोगों को आवश्यकता है राहत की, किसी प्रकार की सहायता की, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इस फंड से लोगों की मदद की जाती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं ये चारों इन मंडल में चारों जनपदों की जनमानस से कि चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में वो महाराज ऑनलाइन जो हमारे दो वक्ता हैं उनको भी मैं ऑनलाइन संबोधन कर रहा हूं। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम नंदन सिंह जी और गीता प्रेस जो विश्व विख्यात एक प्रेस है उसके उत्पाद प्रबंधक डॉक्टर लाल मणि तिवारी जी, बैरागी जी, डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार के समस्त लोग जो यहाँ हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और मीडिया के सम्मानित बंधु। मैंने कहा आज का विषय शाश्वत महत्व का विषय है। गो सेवा हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन शैली के कई अंग हैं, एक व्यक्तिगत जीवन शैली, एक सामाजिक जीवन शैली, एक सांस्कृतिक जीवन शैली। इन तीनों अंगों में कहीं ना कहीं पर गो सेवा का महत्व तो है और यह सारे हिंदू समाज बल्कि अब तो कहते हैं विश्व समाज ने गो सेवा के महत्व को स्वीकार किया है। ये हमारे लोक परलोक दोनों
के जीवन को समारती है, दोनों जीवन के लिए गो सेवा या गो माता दोनों जीवन के लिए कल्याणकारी है। महिलाओं के जीवन को देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का रूप मिलता है, अपनी जो जन्म देने वाली माँ है उनका रूप मिलता है। अगर माँ के पास बच्चे को तृप्त करने के लिए, भूख मिटाने के लिए पर्याप्त दूध नहीं मिलता है, या मिलता भी हो जब बच्चा बड़ा होता है उसे और दूध की आवश्यकता पड़ती है, तो पहला जो बाहर का दूध दिया जाता है वो गो माता का, अपनी माता के बाद जन्म देने वाली माता के बाद गो माता के शरण में जाता है। हम जानते हैं गाय पंचगव्य उसे कहते हैं, गाय का दूध दही घी गोबर और गोमूत्र, इसमें अनेक पौष्टिक और औषधीय गुण इनके अंदर हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद भी पाया गया कि पौष्टिक तो है ही है, जो कहते हैं दूध पीजिए, हर व्यक्ति के हर उम्र के लोगों के लिए दूध आवश्यक है, गाय का दूध बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मैं बुढ़ापे के मंत्री पड़ाव पर हूं, सबके लिए दूध की आवश्यकता है क्योंकि वहां में पौष्टिक तत्व उससे मिलता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी। और इसके अलावे जैसा मैंने बताया कि गाय के गोबर और मूत्र के अंदर अनेक औषधीय गुण हैं। अहमदाबाद में संघ से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता है शंकर लाल जी, गौ सेवा के ऊपर काम करते हैं। गौ सेवा संघ के कार्यक्रमों में एक गतिविधि के रूप में सम्मिलित किया गया है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है गाय के अंदर, गाय के गोबर दूध पानी और के अंदर दूध के अंदर पंचगव्य के अंदर जो कुछ भी हम कह सकते हैं कि औषधीय गुण हैं या जो कुछ भी महत्व का है, उनके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक, आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। तो यह हमारे लिए, आप जानते हैं गाय के गोबर से जमीन की उर्वरक होती है, उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ती है, रासायनिक खाद से उत्पादन शक्ति नष्ट होती है। तो हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में गाय के महत्व को नहीं स्वीकार कर रहा, कितना ही नहीं हमारे पारलौकिक जीवन इस लोक के बाहर फिर गाय के महत्व को हम स्वीकार करते हैं। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं किसी कल्याण के लिए, किसी ईश्वरीय किसी शक्ति के प्राप्त करने के, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस स्थान को जहां पर पूजा होना है गाय के गोबर से लीप करके उसको पवित्र किया जाता है। गौरी और गणेश दोनों की प्रतिमा जो बनती है, जिसका कि हम पूजन करते हैं, वह गाय के गोबर से बनती है। इसके अलावा भगवान विष्णु जब श्रीकृष्ण के रूप में पैदा हुए तो उनका बचपन गोपाल में गुजरा, यह तो ईश्वरीय संदेश है कि मानव जीवन के किसी न किसी काल में गो सेवा, गो पालन, गो सेवा, अगर पालन नहीं कर सकते हैं, सबके लिए सुविधा नहीं होगी, गो पालन करने के लिए सामर्थ्य भी नहीं हो सकता है, तो लेकिन गो सेवा गो रक्षा का व्रत तो हम सभी ले सकते हैं। जहां तक इस मंदिर स्पीड की बात है, एक अद्भुत परंपरा यहां पर है, इस शहर का नाम है गोरक्ष, इस पीठ का नाम है गोरक्ष, गोरक्ष माने कल्याण, हम यहां मानते हैं गोरक्ष माने गाय की रक्षा करोगे तो विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, गाय की रक्षा माने विश्व कल्याण, इसीलिए ये पीठ और शहर दोनों विश्व कल्याण के लिए है। गोरक्ष होने का मतलब विश्व कल्याण के लिए है। मैंने कहा कि लौकिक पारलौकिक दोनों कल्याण का प्रतीक बन होता है ये। यहां पर 300-400 गाय हैं, जैसा कि डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा।
और एकाएं पूज्य महाराज जी के साथ बहुत ही आत्मीय भाव रखती है, बहुत ही आत्मीय भाव। शायद हम लोग तुमको यहाँ जब नहीं रहते हैं, लखनऊ में होते हैं, तो हम लोग तुमको मिस करते ही हैं। वो गायें बहुत मिस करती हूँ, और सरों में तैरने वाले बत्तख बहुत मिस करती हूँ। ऐसा उन्होंने अपना एक मानवीय संबंध इन लोगों से जोड़ रखा है। हम इनको जंतु नहीं कहते हैं, हम कहता है ये हम कहते हैं इन तत्व से जोड़ रखा है। एक जीवंत तत्व है, गाय भी जीवंत तत्व है, बत्तख भी जीवंत तत्व है। एक दृष्टांत में देता हूं, इस परिसर में एक गाय पैदा हुई, एक गाय से एक बछड़ा पैदा हुआ। बछड़ा जब पैदा हुआ तो किसी कारणवश उसके तुरंत बाद उसकी मां मर गई। कुछ हुआ होगा, मां का देहावसान हो गया, शरीर छोड़ दिया उसने। अब वो गाय बिना मां के हो गई, बछड़े को दूध की आवश्यकता है, और गायें तो ऐसी हैं कि अपने बच्चे को दूध लाती हैं। उसी समय और कई गायें बाई हुई थी, उनमें एक गाय को महाराज जी आए, बताया गया कि इस बछड़े की माता मर गई। तो पूज्य महाराज जी ने एक दूसरी गाय से कहा, तुम इसको पिलाओ दूध, आज से तुम्हारा ये भी बच्चा है, आज से तुम्हारा ये भी संतान है, इसको दूध पिलाओ। और इतना कहना था कि उसने उसको दूध पड़ना शुरू कर दिया, दोनों बच्चों को, अपने बच्चे को और इसको, दोनों को दूध पड़ना शुरू कर दिया। एक अद्भुत भावनात्मक लगाव। महाराज जी ने कहा कि अब इस गाय के दूध केवल दोनों बछड़े ही पिएंगे, इसका दूध प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, किसी के लिए कुंवर रहेगा। रवि पाटन के पूज्य महंत यहां बैठे हुए हैं, एक बहुत ही अच्छा गौशाला हुआ, और आप भी गौ सेवा में है लगे रहते हैं। जब कभी मुझे देवी के दर्शन करने का मौका मिलता है तो महाराज जी हमसे कहते हैं, दर्शन आपका पूरा तभी होगा जबकि जाकर के गायों का भी दर्शन करने ले जाते हैं, वो हमको वहां पर कराते हैं। एक बार पूज्य योगी कमलनाथ जी और पूज्य महाराज जी थे देवीपाटन के, हम लोग गए। एक गाय कहा, ये तो कामधेनु है। मैंने पैर पकड़ा, प्रोटेस्ट नहीं किया, दांत नहीं मारा, तो कामधेनु भी वहां रहती है। वहां पर भी बहुत ज्यादा गायें हैं, चौक बाजार है महाराजगंज जिले में, वहां पर भी ये गौशाला है। तो महाराज जी जहां जहां कोई भी संस्थाओं को स्थापित तो करते ही है, गौशाला पसंद करते हैं। जैसे संस्थाएं को, शिक्षण संस्थाओं को, अन्य संस्थाओं को, शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को पढ़ाना, स्थापित करना जैसे उनके लिए प्रिय है, वैसे गौशाला को भी उन्हें प्रिय है। अंत में महात्मा गांधी का एक, महात्मा गांधी जी का मैं एक दृष्टांत रख करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने 1904 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा, आप वो कभी आओ तो आप पढ़ लें उसे, अंग्रेजी में है, टाइटल है हिंदुइज्म, उसका टाइटल है हिंदुइज्म। उन्होंने कहा, आई एम ए सनातनी हिंदू, मैं सनातनी हिंदू हूं, क्योंकि उन्होंने 6 कारण बताए। मैं सनातनी हिंदू हूं क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तक उन्होंने 6 कारण बताए। पहला कारण तो यह है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण, इनमें मेरी अपार आस्था सम्मान और इनके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि मैं गौ रक्षा और गौ सेवा में विश्वास करता हूं। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि मैं वर्णाश्रम धर्म, जो कि स्ट्रिक्टली वैदिक सेंस में जहां बड़ा छोटा कोई नहीं, कार्यों के महत्व के आधार पर कोई कार्य निम्न नहीं, हर कार्य महत्वपूर्ण है, तो मैं उस वैदिक धर्म में भी मैं विश्वास करता हूं।
अगला कारण बताया कि मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, मैं मूर्ति पूजा में अविश्वास नहीं करता। ज्योति ने कहा मैं अविश्वास नहीं करता, ये नहीं कहा मैं विश्वास करता हूं, अविश्वास नहीं करता। अगला कारण बताया उन्होंने, पांचवा कारण बताया कि मैं ईश्वर के अवतार और मनुष्य के पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं। और अंतिम कारण बताया कि हमारे हिंदुइज्म या हिंदू के हिंदुत्व के या हिंदुनेस के, हमको हिंदुनेस कहेंगे, हिंदुइज्म कोई वाद नहीं है, हिंदुवाद नहीं है, कोई वाद विवाद की बात नहीं है, हिंदुनेस कहेंगे। हालांकि लिखा हिंदुइज्म लेकिन हम कहते हैं हिंदुनेस, के जो मूल मंत्र है सत्य अहिंसा सदाचार, मैं इनमें विश्वास करता हूं। तो उन्होंने अपने को सनातनी हिंदू होने का एक कारण यह भी बताया कि मैं गो रक्षा और गो सेवा में विश्वास करता हूं। और कहा था गो रक्षा मनुष्य को अपने भौतिक जीवन से उभर करके ऊपर उठने का पहला स्टेप, जब अपने भौतिक जीवन से हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं, अपने इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जो खुद प्रवेश करने का प्रयास करें, तो उसमें गो सेवा उसका पहला स्टेप होगा। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म शैल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर आर हिंदूज टू प्रोटेक्ट द कंट्री, जब तक गाय की रक्षा करने के लिए हिंदू है तब तक हिंदूनेस हिंदूनेस बना रहेगा, ये उनका कहना है, महात्मा गांधी का कहना है। हिंदुइज्म शैल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर आर हिंदूज टू प्रोटेक्ट द कंट्री, हिंदूनेस माने हिंदू संस्कृति, उन्होंने खुद कहा हिंदुइज्म शैल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर आर हिंदूज टू प्रोटेक्ट द कंट्री, यानी हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन शैली, हिंदू दर्शन, हमारी आध्यात्मिक हिंदू की आध्यात्मिक पहचान बनी रहेगी जब तक कि रक्षा करने गाय की रक्षा करने के लिए हिंदू बना रहेगा। तो समझ लीजिए महात्मा गांधी के शब्द मेरे शब्द नहीं है, हम लोगों को राष्ट्रपिता माना। तो इस तरह से आइए हम संकल्प लें गायों की रक्षा करने का। संजोग की बात है कि जब आजकल बछड़े बहुत कम कृषि काम में उपयोग कम आते हैं, माना कृषि के लिए हमारा आर्थिक जीवन जो है, कृषि पर आधारित आर्थिक जीवन जो था हमारा, बहुत कुछ हद तक गाय के ऊपर अभी भी निर्भर करता है, गोबर तो वहीं से आता है, गाय का दूध हम वहीं से हमें मिलता है, हमारा आर्थिक जीवन जो है बहुत कुछ गाय के ऊपर अभी भी आगे भी रहेगा। भाई हम इसको संकल्प लें, गो रक्षा गो सेवा का संकल्प लेते हुए हम आज के इस अंतिम सत्र है, कल से तो श्रद्धांजलि हो जाएगा, मैं इस अवसर पर आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मंच पर पूज्य महंत सुरेश दास जी हैं, पूज्य योगी कमलनाथ जी हैं, पूज्य महंत मिश्रा जी हैं, और हमारे जो दो बंधु ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, श्री श्याम नंदन सिंह जी, डॉक्टर लालमणि त्रिपाठी जी, शिक्षा परिषद के समस्त लोग, मीडिया के लोग, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, और जो कहीं हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ा हुआ, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। गौ माता गौ हिंदू कंसेप्ट इज एग्जिस्टिंग गौ माता बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इस मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के साथ ही आज के प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी यही पूर्णता को प्राप्त करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान सभी सम्मान अतिथियों के लिए मेरा निवेदन, मेरा सादर प्रणाम। संगोष्ठी यही समाप्त होती है। अब आप लोग विश्राम के लिए आवासीय कक्ष की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के लिए एक सूचना, जो संस्था प्रमुख आदरणीय प्राचार्य प्रधानाचार्य शिक्षक मित्र शिक्षिका बहने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबंधित किसी संस्था से संबंधित इस सभागार में है, आप सबसे निवेदन है कि एक मिनट के लिए महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मित्र डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह अनाउंसिंग बूथ के पास हैं, आप उनसे एक मिनट मिल लें, कल के कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं शेयर कर लें, आपस में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, सभी संस्थाओं के शिक्षक या संस्था प्रमुख डॉक्टर अविनाश जी से एक मिनट मिल लें। महाराणा प्रताप